इसी तरह बने रहो मेरे सामने, ताकि आपका जो चेहरा है मेरे दिलो दिमाग में इस कदर बस जाए कि जिस दिन मैं आपको स्वर्ग में मिलूं, उस दिन भी मैं आपको पहचान जाऊं और वहां भी मैं आपको दुआएं दूं। ये कहानी राहुल जी की है। राहुल जी बहुत अमीर इंसान थे, इसलिए उनका एक बार इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया, राहुल जी आपके लिए खुशी के क्या मायने होते हैं, आप बहुत खुश कब हुए थे? राहुल जी ने कहा, ऐसे तो मैं जीवन में बहुत बार खुश हुआ हूँ, लेकिन पहली बार जब मैंने पहली तनख्वाह पाई थी उस दिन भी मैं बहुत खुश था। दूसरी बार जब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना उस दिन मैं बहुत खुश था। और तीसरी बार जब मुझे लगा कि मेरा पैसा इतना बलवान हो गया है कि मैं जीवन की हर वो चीज खरीद सकता हूँ जो पैसा खरीद सकता है, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था। लेकिन चौथी बार एक मेरे दोस्त ने जबरदस्ती मुझे एक चैरिटी इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया जहाँ मेरी फंडिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि सही में खुशी इसे कहते हैं, मेरे जीवन जीने के मायने ही बदल गए। जब मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को व्हीलचेयर दी गई और वो उस व्हीलचेयर में यहाँ वहाँ घूमने लगे, एक दूसरे के लिए खुश होने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए तो एक जैकपॉट लग गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे सबके पर निकल आए हो, सब झूम रहे थे, गा रहे थे, ऐसे मतलब उनके खुशी का मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि सच में खुशी इसे कहते हैं। और जब मैं लौट रहा था तो एक छोटे से बच्चे ने मेरे पैर पकड़ लिए, छोड़ ही नहीं रहा था। बड़े मुश्किल से मैंने अपने पैर छुड़ाए और उससे पूछा, बच्चा तुझे और भी कुछ चाहिए क्या? उसने कहा, इसी तरह बने रहो मेरे सामने, ताकि आपका जो चेहरा है मेरे दिलो दिमाग में इस कदर छप जाए कि जिस दिन मैं आपको स्वर्ग में मिलूं, उस दिन भी मैं आपको पहचान जाऊं और वहां भी मैं आपको दुआएं दूं। ये कहानी दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका जो चेहरा है लोगों के दिलो दिमाग में छप जाए और आप मरने के बाद भी दूसरों के दिलों में दुआएं बनकर जिंदा रहो। और हम चैरिटी तो बहुत बार करते हैं, लेकिन कभी 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 समय मिले तो उनके दिलों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम किसी के दर्द को समझते हैं तब खुशी के सही मायने समझते हैं, तब समझते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों में कितने खुश होते हैं और हम सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा दुखी रहते हैं। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। मैं अनीता साकरिया आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज तक आपने मेरे हर वीडियो लाइक सब्सक्राइब किए हैं। धन्यवाद।